अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। रिंकू शर्मा मर्डर, भाई का दावा, राम मंदिर चंदे पर थी लड़ाई, पुलिस ने बताया बर्थडे पार्टी का झगड़ा। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर जबरदस्त सियासी घमासान है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े होने की वजह से हत्या हुई है। बीजेपी के साथ ही परिवार वाले भी यही आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि बुधवार रात मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नामक एक युवक की चार लोगों ने चाकू गोंद कर हत्या कर दी थी। पुलिस का कहना है कि रिंकू के दोस्त ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की है। ममता को बड़ा झटका, दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में बहस के दौरान किया इस्तीफे का ऐलान। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान दिया है। दिनेश त्रिवेदी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पेपरलेस बजट को लेकर यूपी के विधायकों की आईपैड ट्रेनिंग शुरू, 14 फरवरी तक ट्रेड करने की तैयारी। ट्रेनिंग सेशन को तीन चरणों में बांटा गया है, जिसमें आईपैड से जुड़ी तकनीकी जानकारी इस बार सभी विधायकों को दी जा रही है। विधायकों को अलग अलग सेशन में विधानसभा क्षेत्र की संख्या के आधार पर बुलाया गया है। राम मंदिर के चंदे पर अब शंकराचार्य स्वरूपानंद ने उठाए सवाल, कहा मंदिर नहीं वीएचपी का दफ्तर बनेगा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने कहा है कि जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उसे अयोध्या में राम कला के मंदिर का निर्माण नहीं होगा बल्कि विश्व हिंदू परिषद का दफ्तर बनाया जाएगा। सैकड़ों मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब, जिंदा लोगों को घोषित किया गया मृत। यह सभी विशेष समुदाय के लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची से गायब कर दिया गया है। जिनके नाम काटे गए हैं या मृत घोषित किया गया है उन्हें जांच में सही मतदाता ठहराया गया है। कल से चेन्नई में दूसरा मैच सीरीज में वापसी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पर भारत की नजर। स्पिनरों की मददगार पिच पर इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार को शुरू हो रही दूसरे क्रिकेट टेस्ट में भारतीय टीमें अपनी गलतियों से सबक लेकर उतरेगी, क्योंकि कप्तान विराट कोहली को बखूबी पता है कि यहां कोला ही बर्तन का मतलब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में स्थान गंवाना होगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऐतिहासिक जीत का खुमार इंग्लैंड के हाथों, पहले टेस्ट में 227 रन से मिली हार के साथ ही उतर गया। अब आने वाले तीन मैचों में भारत के लिए गलती या आत्ममुक्ता की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यूपी के वाराणसी में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई समेत 18 लोगों पर वाराणसी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा एक फॉरवर्ड किए गए वीडियो को पोस्ट करने से पैदा हुए विवाद के बाद दर्ज किया गया है। सुंदर के खिलाफ आईटी एक्ट और साजिश रचने की धाराएं लगाई गई हैं। वहीं सुंदर पिचाई पर धमकी भरे मामले से जुड़ा हुआ एक पोस्ट यूट्यूब से नहीं हटाने से संबंधित है, जिसमें पुलिस के अनुसार गिरिजा शंकर जायसवाल के व्हाट्सएप ग्रुप पर देश विक्रेता के नाम से एक वीडियो आया। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में देश बेचने सहित अन्य प्रकार की अमर्यादित बात की गई थी। तमिलनाडु विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, महिला समेत चार की मौत। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इस आग के चपेट में आकर अब तक चार लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक महिला शामिल है। इसके अलावा चार लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सीतारमन का कांग्रेस पर निशाना, बोली सरकार पर साठ घाट वाले पंजीवाद का आरोप बेबुनियादे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज विपक्षी दलों के आरोपी को खारिज करते हुए कहा है कि मोदी सरकार पर साठ घाट वाले पूंजीवादी क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाना ठीक नहीं है। निर्मला ने राज्यसभा में कहा है आम आदमी की भलाई के लिए हमारी सरकार की योजनाओं के बावजूद विपक्ष एक झूठी कहानी बना रहा है कि सरकार ताकतवर पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। अलग अलग जगहों से अब तक बरामद किए गए 38 शव, 10 की हुई शिनाख्त। उत्तराखंड में रविवार को आई त्रासदी के बाद चला रेस्क्यू ऑपरेशन, आज छठे दिन से प्रवेश कर चुका है। अब तक अलग अलग स्थानों से कुल 38 शव बरामद किए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।